जैसे कि देख सकते हैं गाइस, मेरे पास एक दो छोटे छोटे सेल्स और बटन वाले, और एक है गाइस लाइट। अब हम इसको सबसे पहले जला कर देखते हैं गाइस, इसको नीचे कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस बटन को, मतलब बटन वाले सेल पे मैं लाइट को इस तरीके से रखता हूँ तो जल उठता है, और जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, जैसे मैं इस लाइट को डिस करता हूँ गाइस, तो नहीं जल उठता। तो हम इस स्प्रे को किसी और दूसरे के साथ करके देखते हैं गाइस। तो इसी तरीके से हम लोग परिपथ बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग बीच में इस तरीके से इसको खिले को इस टच करके देखते हैं गाइस, बीच में खिला रहेगा। तो हमने खिले को ठीक इस तरीके से लगा दिया है, और हम लोग गाइस इस तरीके से ज्वाइंट कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस कि खिले के साथ भी ये प्रयोग, मतलब किले के साथ भी लाइट जल उठता है। इसका मतलब ये है कि गाइस लोहे में करंट फ्लो होता है, और इसी प्रकार हम लोग करते हैं गाइस, करके इसमें ऐसे टच करके देखते हैं गाइस, और उसके बाद इसको दबा कर देखते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं जल उठता गाइस। इससे हमें यह पता चलता है कि गाइस लोहे में करंट फ्लो होता है और प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता। अब इसी प्रकार हम करते हैं गाइस इस पत्ती के साथ, इस पत्ती को भी इस प्रकार से हम लोग, तो जैसे कि देख सकते हैं इस पत्ती में भी करंट फ्लो हो रहा है। वाओ, जैसे कि देख सकते हैं तांबे के मेटल में हमने जिस तरीके से परिपथ बनाया है, उस तरीके से लाइट बिल्कुल भी जल उठता है गाइस। इससे हमें यह पता चलता है कि तांबे के मेटल में भी करंट फ्लो होता है, और हम लोग साथ में करते हैं गाइस इसे और चीज़ों के साथ ट्राई करते हैं गाइस, जैसे कि हम लोग इस कागज के साथ ट्राई करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने इस कागज के साथ एक परिपथ बनाया है, जिससे लाइट बिल्कुल भी नहीं जल उठता है गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट्स करके बताओ कि गाइस आप लोग के लिए नई नई कौन सी वीडियो लाऊं।